मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो मंचों से एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमले भी बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन सबसे अलग दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जिन्होंने सभी को चौंका दिया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। होशंगाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी नेता सीता शरण शर्मा ने अपने नामांकन से पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता सरताज सिंह के पैर पड़कर आशीर्वाद लिया। सरताज सिंह ने उमा भारती के पैर पड़े। वहीं सरताज सिंह ने उमा भारती के पैर पड़ते हुए बताया कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण सरताज ने भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस ने उन्हें होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वो भाजपा के सीता शरण शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष सीता शरण शर्मा शुक्रवार को होशंगाबाद सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी मौजूद थी। सरताज सिंह को देखकर सीता शरण शर्मा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं सरताज सिंह ने उमा भारती के पैर पड़े तो उमा ने जीत का आशीर्वाद दिया।